भारत में नहीं दिखा चांद, 24 मार्च 2023 को होगा रमजान का पहला रोजा। करौली बाबा पूछताछ के लिए फिर आश्रम पहुंची कानपुर पुलिस। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को ईरान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करने वाले कलाकार दिलशाह हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। भूषण से नवाजे गए कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पंजाब के स्कॉलर डॉक्टर रतन सिंह जग्गी को मिला पद्मश्री पुरस्कार। दिल्ली में फिर भूकंप के झटके, 2.7 रही तीव्रता। राहुल गांधी सूरत जाएंगे, मोदी समाज पर की गई टिप्पणी के मामले में आया कोर्ट का फैसला। स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के आदेश पर एचसी में सुनवाई अगले महीने तक टली। तमिलनाडु कांचीपुरम जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत।